हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। समय हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं राजेश भैया के साथ। ये देखिए राजेश भैया का चेहरा। मैं जा रहा हूं राजेश भैया के साथ उनके बाइक पर भोक्ता मेला देखने, और देखते हैं कैसा मेला वहां पे लगा हुआ है। मैं फिलहाल हूं चिकुंडा डुमरकुंडा में। ये शहरी क्षेत्र है और ये बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे स्थित एक शहर है, चिकुंडा नगर निगम। भोक्ता मेला में जाते हैं, कितना भीड़ है, कैसे पूजा होता है, वो सब थोड़ा जानकारी लेते हैं। मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं देखा भोक्ता मेला तो वीडियो से जरूर बने रहें। अंधेरा हो गया है, चेहरा ठीक से नहीं दिख पा रहा है, तो वीडियो से बने रहिए। लाइट में आके आप सभी को मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड, पार्किंग में हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम लोग बाइक को पार्क करेंगे, फिर इसके बाद 1/2 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आपको पार्किंग दिखाते हैं। राजेश भैया पार्किंग वाला से रिक्वेस्ट करने के बाद हमें आगे आने दिया गया, लेकिन नहीं तो किसी और को वहीं पे रोक दिया जाता है, आगे नहीं आया जाता। लेकिन हम लोग बाइक से रिक्वेस्ट करने पर आगे आ गए हैं। देखते हैं। मंदिर का दर्शन कर लीजिए। डुमरकुंडा से मल्लिकपाड़ा की तरफ आपको आना होगा। मेला घूम रहे हैं हम, आपको दिखाते हुए साथ साथ। आप देख सकते हैं चारों तरफ सभी लोग दीप जला के, दिया जला के बैठे हुए हैं। रात भर इसी तरह दिया जला के सभी लोग बैठे रहेंगे। स्पेशली पूजा में यही किया जाता है, रात भर दीप जला करके सभी लोग रात भर यहीं बैठे रहते हैं। रात भर दीप को बुझने नहीं दिया जाता है, रात भर दीप को जलने दिया जाता है।
अभी थोड़ा सा खाली दिख रहा होगा, थोड़ी देर में चलने का जगह नहीं बचेगा 8 बजे के बाद। अभी 7:30 हो रहा है। कल रात भर पूजा होने के बाद कल सुबह में यहाँ पे पाठा बलि किया जाएगा और तब पूजा का समापन होगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।